हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स ईडीयू। सो आज हम लोग लेवल 2 का सेकंड पार्ट का वीडियो बना रहे हैं। पहले पार्ट में आपने देखा 1 से 28 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, आज आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 से 42 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये हो गया स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, जिसमें कुछ रूल्स दिए हुए कि स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है और स्टेटमेंट 2 1 का सही एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन 2 दे रहा है कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही सही है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। स्टेटमेंट 3 बोल रहा है कि 1 सही है, 2 गलत है। स्टेटमेंट 4 बोल रहा है कि 1 गलत है, 2 सही है। ओके, लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस इन दिस कैटेगरी। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं हम लोग। 29, यस। तो यहाँ पर दिया है टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रो आर क्यूब एस पावर 3/2, वेयर एस इज द सरफेस टेंशन। तो ये यूनिट्स मैच हो रहे हैं कि नहीं, पहले चेक कर लेते हैं। अगर नहीं मैच हो रहे तो स्टेटमेंट 1 गलत है, बाद में स्टेटमेंट 2 पे चलते हैं। तो यहाँ पर टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकेंड्स। अब रो का, रो आर पावर 3 डिवाइड बाई एस पावर 3/2, तो रो का केजी पर मीटर क्यूब है। मैं डायरेक्ट यूनिट्स लिख रहा हूँ, केजी पर मीटर क्यूब इंटू आर क्यूब का मीटर क्यूब है, और एस सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर होता है, तो न्यूटन पर मीटर होल पावर 3/2। तो आप यहाँ से मीटर क्यूब को कैंसिल कर सकते हो, यहाँ बचा हुआ केजी, यहाँ न्यूटन पर मीटर, तो MLT-2 में MT-2 बचेगा, बिकॉज नीचे मीटर है तो LL कट जाएगा। तो MT-2 का M पावर 3/2, T पावर -2 इंटू 3/2, 2 कट जाएगा, -3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर M पावर 1 है, किलोग्राम मतलब M पावर 1, ये M पावर 3/2, तो मास तो रह रहा है, बट टाइम के यूनिट में मास आना ही नहीं चाहिए। तो स्टेटमेंट 1 ब्लंडर है, स्टेटमेंट 1 इज ए ब्लंडर। सो देर इज नो, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 2, यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस वी गेट RHS हैविंग डिफरेंट डायमेंशन दैट ऑफ द टाइम पीरियड। स्टेटमेंट 2 सही है, ऐसा ऑप्शन आपको फोर्थ ऑप्शन में दिखेगा, ऐसा ऑप्शन आपको फोर्थ ऑप्शन में दिखेगा। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो 29th का आंसर हो जाएगा 4। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 30। आउट ऑफ 3 मेजरमेंट्स i = 0.7, 0.700, द लास्ट वन इज मोर एक्यूरेट। ये सही है, जितने लास्ट डिजिट तक जा सकते हो उतना आपका डिवाइस सेंसिटिव और प्रिसाइज है। तो यहाँ पर थर्ड मेजरमेंट जो है, मतलब 0.701 भी मेजर कर सकता था, 0.702, मतलब उतना एक्यूरेटली थर्ड डिजिट तक मेजर कर पा रहा है। इन एवरी मेजरमेंट ओनली द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज नॉट एक्यूरेटली नोन। ये भी सही स्टेटमेंट है और इसका सही इंटरप्रिटेशन भी है, ये अपना सही इंटरप्रिटेशन भी है। सो वी कुड कंक्लूड दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट एंड करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑल्सो। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड द स्टेटमेंट 2 इज द राइट इंटरप्रिटेशन फॉर द स्टेटमेंट 1, बोथ आर करेक्ट। NM इज नॉट सेम एज NM, ओके। ये N जो है नैनो है, यहाँ पर M स्मॉल है तो मिली है, तो दोनों सेम नहीं है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। NM = 10^-9, ये भी सही है। 1 mm = 10^-3, ये भी सही है। तो इसका आंसर भी 1 आना चाहिए, इसका आंसर भी 1 आ जाना चाहिए। दोनों ही सही स्टेटमेंट्स हैं, दोनों एक दूसरे के सही एक्सप्लेनेशन भी है। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 32। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द n सेकंड हैज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ओके, आप SN का फॉर्मूला देखोगे, ut + ½ a² तो s दिख रहा है u के बराबर, जबकि ऐसा नहीं है, वो u इंटू 1 है ना। तो डायमेंशनली ऐसा दिख रहा है कि दोनों सेम है, बट वहाँ पर टाइम 1 सेकंड है, टाइम 1 सेकंड है। तो स्टेटमेंट बिकॉज इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन पर्टिकुलर सेकंड, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन पर्टिकुलर सेकंड। तो ये दोनों ही सही है स्टेटमेंट्स, और दोनों ही एक दूसरे के सही एक्सप्लेनेशन, दूसरा पहले का सही एक्सप्लेनेशन है। SN का फॉर्मूला आप पढ़ोगे, u + a/2 2n-1, SNth का फॉर्मूला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड, u + a/2 2n-1। तो यहाँ पर टाइम को लिख दो 1, तो आप मतलब यहाँ पर एक्चुअली जब डिफरेंस लोगे थर्ड से फोर्थ सेकंड, तो टाइम 1 इंटरवल का है, इसलिए 1 सेकंड का है, इसलिए वो 1 दिख नहीं रहा है यहाँ पर। तो इसका यूनिट तो मीटर ही है, बट दिख रहा है अलग अलग। ओके, सो इसका भी आंसर 1। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 33। वेलोसिटी ग्रेडियंट हैज द डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस। ओके, तो ये सही बात है। वेलोसिटी ग्रेडियंट डिफाइन किया गया du/dy, दैट इज वेलोसिटी का चेंज पर यूनिट लेंथ, तो मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर, दैट इज 1/2 सेकेंड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड
उसका डेफिनेशन यही है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट, तो इसका भी आंसर वन हो जाना चाहिए. ओके, सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं हम लोग. इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम आर 3% 2% रेस्पेक्टिवली, एरर इन कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी 5%. ओके, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने में क्या टाइम, वेलोसिटी का डेफिनेशन हो जाएगा डी बाई टी, तो डेल्टा वी बाई वी जो हो जाएगा वो डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा टी बाई टी हो जाएगा. तो यहाँ पर 3+2 5% सही आंसर है, और वेलोसिटी की डेफिनेशन डी बाई टी है, ये भी सही डेफिनेशन है, बट इसका करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, एरर का कोई एक्सप्रेशन यहाँ दिया नहीं है, तो यहाँ पर पावर रूल लग रहा है, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, वो सब मेंशन नहीं है, तो इसका आंसर 2 है. दोनों स्टेटमेंट सही है, बट दूसरा वाला पहले का एक्सप्लेनेशन नहीं है. आई होप इट्स क्लियर. लेट्स गो टू द 36th क्वेश्चन. द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सो एंड सो. पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू. तो देखो यहाँ पर जूल एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू है डिवाइड बाई एम्पियर सेकेंड. ओके, चार्ज को एम्पियर सेकेंड लिख सकते हो, आई इंटू टी. तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ एम एल स्क्वेयर टी माइनस थ्री एंड ए पावर माइनस वन. तो स्टेटमेंट वन इज ट्रू, डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल आर करेक्ट. वॉट अबाउट स्टेटमेंट टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन, तो V इक्वल टू W बोल रहा है, जो कि ब्लंडर है, बिकॉज वर्क डन पर यूनिट चार्ज होना चाहिए, तो ये फॉल्स है. सो ऑप्शन C से मैच होगा ये वाला, जिसमें एक सही, पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत. ओके, आई होप इट्स क्लियर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन है जिसमें मोर देन वन करेक्ट टाइप आंसर्स आएंगे. लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन. ये स्टूडेंट यूज सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर, एग्जैक्ट 1 मीटर. तो यहाँ लिखा है एग्जैक्टली, से इंपॉर्टेंट लाइन, एग्जैक्टली मतलब इसका कोई एरर नहीं होगा, डेल्टा एल नहीं होगा. ओके, सो यहाँ पर स्टॉप वॉच यूज़ कर रहा है 1 सेकेंड का, तो डेल्टा टी जो है 1 सेकेंड का है, लीस्ट काउंट जो होता है वही आपका एरर हो जाता है, और टाइम पीरियड जो लिया है वो 40 सेकेंड्स का दिया हुआ है. तो डेल्टा टी बाई टी आप देखोगे तो 1/40 हो जाएगा. ओके, दैट इज़ 0.025 हो जाएगा. ओके, आई होप इट्स क्लियर. सो आपको पहला ऑप्शन दिया गया टाइम एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम, जो गलत हो जाएगा, बिकॉज ये ज़्यादा दिया है तो गलत हो जाएगा. नेक्स्ट ऑप्शन देखो आप, एरर इन मेजरमेंट ऑफ द टाइम पीरियड इज़ 1 सेकेंड, ये सही है. टाइम पीरियड में मेजरमेंट जो एरर है वो 1 सेकेंड का है. देन परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी, तो डेल्टा जी बाई जी आपने बहुत क्वेश्चंस में किया हुआ अभी, 2 times डेल्टा टी बाई टी प्लस डेल्टा एल बाई एल आएगा, बट डेल्टा एल बाई एल 0 है, बिकॉज ये एग्जैक्ट लेंथ 1 मीटर उनको एक्यूरेटली पता है. ओके, सो 2 times 0.025 परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100 भी कर लेते बोथ साइड्स, तो यह हो जाएगा 2 × 0.025/40 × 100. ओके, सो ये हो जाएगा 0.05 × 100. ओके, 0.05 परसेंटेज, तो ये डेल्टा टी बाई टी हमने निकाला हुआ है 0.025, तो 0.025 × 100 ही करना है आपको, तो ये हो जाएगा 5% हो जाएगा. तो ऐसा ऑप्शन आपको थर्ड ऑप्शन से मैच हो रहा है, तो ऑब्वियसली फोर्थ ऑप्शन गलत है, बिकॉज वो 2.5% बोल रहा है, तो 5% करेक्ट आंसर है इसका. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल क्वांटिटीज मे हैव रिप्रेजेंटेड द डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी, यस, सारी क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ ए रेस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटीज, यस. एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के बेस क्वांटिटी के टर्म में नहीं रिप्रेजेंट. मास को मास के पावर 1 लिखोगे तो लेंथ का पावर तो 0 ही होगा, और टाइम का पावर 0 हो गया, तो इसको दूसरे क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ये भी सही स्टेटमेंट है. द डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटीज आर ऑलवेज 0, ये भी सही है. अदर क्वांटिटीज उसके टर्म में अगर मास लिख रहे हो तो मास पावर 1, तो लेंथ टाइम टेम्परेचर ये सब का टर्म क्या होंगे, पावर 0 के होंगे. द डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर 0 इन एनी बेस क्वांटिटी. डिराइव्ड क्वांटिटीज में कोई भी बेस क्वांटिटी 0 नहीं होगी, ऐसा बोल रहा है, बट यू कैन सी इट्स रॉन्ग. अगर वेलोसिटी ले लेते हैं उसका पावर होता है मीटर पर सेकेंड, दैट इज LT माइनस 1, उसमें मास तो 0 है, टेम्परेचर तो 0 है ना, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर 0 है, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो क्वेश्चन 37 में 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन गलत है. लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 38. यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट सिग्मा और टीटा पावर दिया है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का पहला यूनिट लिख लेते हैं जूल सेकंड होता है, जूल सेकंड.
तो इसका MLT फॉर्मेट भी बाद में देखेंगे। सिग्मा सिग्मा आपको रेडिएशन वाले चैप्टर में आएगा, ओके। स्टीफेंस कांस्टेंट कहलाता है, इसका यूनिट लिखते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4। और टीटा टेम्परेचर है, तो टीटा पावर 4 दिया है, केल्विन पावर 4 हो जाएगा। तो मैं अगर एच बाई सिग्मा इंटू टीटा पावर 4 लिखूँ, जूल सेकेंड अपॉन वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4 इंटू केल्विन पावर 4 हो जाएगा। तो आई कैन सी केल्विन पावर 4 गेट्स कैंसिल्ड, केल्विन पावर 4 गेट्स कैंसिल्ड। देखो केल्विन पावर 4 कट गया, मीटर स्क्वायर को ऊपर ले आओ, तो जूल सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन वाट को लिख सकते हो जूल पर सेकेंड, वाट को लिख सकते हो जूल पर सेकेंड। वाट इज़ पावर, पावर इज एनर्जी पर टाइम, तो जूल पर सेकेंड लिख सकते हो। तो जूल कट जाएगा यहाँ से, सेकेंड ऊपर आके सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा और इंटू मीटर स्क्वायर, दैट इज़ एल स्क्वायर टी स्क्वायर, इसका MLT फॉर्मेट हो जाएगा और यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। ये सारे सारे ऑप्शन अभी चेक कर लेंगे, ओके। ऑप्शन 1, डायमेंशन ऑफ अल्फा विल बी एल स्क्वायर टी पावर 2, ये सही आंसर है, इसका डायमेंशन एल स्क्वायर टी स्क्वायर आ रहा है, राइट आंसर। इसका यूनिट मे बी एम स्क्वायर एस स्क्वायर, ये भी सही है, ओके। मे बी नहीं, एग्जैक्टली सही है, ओके। मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट है, ओके। डायमेंशन ऑफ अल्फा मे बी वेबर फैराड टेस्ला, देखो ये चीज़ें हमने पढ़ी नहीं है बट इन चीज़ों के टर्म में क्यों नहीं आएगा सोच सकते हो। वेबर जो होता है इसमें रेजिस्टेंस, वेबर इंटू ओम स्क्वायर फैराड स्क्वायर टेस्ला, तो ये जो टर्म्स आए, वेबर आता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और कैपेसिटेंस का फेराइड और टेस्ला मैग्नेट फील्ड का यूनिट होता है, तो यहाँ पर बी इंटू एरिया, ओके, वेबर इंटू फेराइड का स्क्वायर। फेराइड जो होता है ये यूनिट हम लोग कैंसिल कर नहीं पाएंगे, नीचे टेस्ला का बी आएगा, तो मीटर स्क्वायर आ रहा है लेकिन ये टाइम का यूनिट नहीं है, फेराइड इज़ नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, तो ये आंसर गलत है। सिमिलरली डायमेंशंस ऑफ आर आई 5 एम, वेर आर इज़ गैस कांस्टेंट। अब गैस कांस्टेंट पहले वाले एक आध क्वेश्चन में हमने देखा था, जूल पर मोल केल्विन ऐसा आता है, तो इसमें मोल आता है, तो इस टर्म में आंसर में मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए, तो मोल तो आ ही नहीं सकता, तो इस ऑप्शन को चेक करने का कोई मतलब नहीं है, मोल एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, बाकी सारे ऑप्शन मोल नहीं आएगा, जैसे कि करंट पे मोल नहीं आता और 5 एम में मोल नहीं आएगा, 5 एम आपका दिया हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स में भी मोल नहीं आता, तो मोल को एलिमिनेट ऐसे भी नहीं कर पाएंगे, तो ये मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर के टर्म में आ ही नहीं सकता, तो ऑप्शन 3, 4 गलत है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हम लोग देखेंगे कॉम्प्रहेंशन टाइप, जिसमें थोड़ा सा पैराग्राफ दिया होगा और उसके छोटे छोटे क्वेश्चंस बना जाएंगे, ओके। लेट्स सी दिस क्वेश्चंस। ये वैंडरवाल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस इज पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी इक्वल टू आर टी, ओके। तो यहाँ पर द डायमेंशंस ऑफ ए आर सेम एज, देखो अगर पी और ए बाई वी स्क्वायर को ऐड कर रहे हो तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तो पी और वी ए बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन सेम, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी पी वी स्क्वायर के बराबर, तो पी का MLT फॉर्म देखेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ML माइनस 1 टी माइनस 2 और वी स्क्वायर का एल पावर 6, वी स्क्वायर का मीटर पावर 6, तो माइनस 1 प्लस 6 माइनस प्लस 5 हो जाएगा ML पावर 5 टी पावर माइनस 2, ए का MLT फॉर्म आ गया आपको, और V माइनस बी, तो V और B सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो V और B का यूनिट सेम होना चाहिए, तो B का MLT फॉर्म हो जाएगा L क्यूब, B का MLT फॉर्म हो जाएगा L क्यूब, B का MLT फॉर्म हो जाएगा L क्यूब। तो यहाँ पर हमको क्या पूछा, देखो डायमेंशंस ऑफ A आर सेम एज दैट ऑफ पी वी स्क्वायर, ऑप्शन 2 से मैच हो रहा है। डायमेंशंस ऑफ B आर सेम एज दैट ऑफ वॉल्यूम, ये भी ऑप्शन 2 से मैच हो रहा है। डायमेंशंस फॉर्मूला ऑफ ए बी, अब ए बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपको एम एल पावर 5 टी पावर माइनस 2 इंटू एल पावर 3, तो एल पावर 8 हो जाएगा, एम एल 8 टी पावर माइनस 2, ऐसा ऑप्शन आपको एल पावर 8 वाला एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 से, सो ऑप्शन 4 से मैच हो रहा है ये वाला। सो ये आपके 3 क्वेश्चंस हो गए इसके अंदर। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 40। सो यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आपको z इक्वल एक्स बाई वाई के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ तो आप उसका एरर कैसे लिखते हैं वो दिया हुआ है, तो x प्लस डेल्टा माइनस x, y प्लस डेल्टा माइनस y, तो इस एरर को निकालने का तरीका एक्सपेंशन सीरीज से दिया हुआ है, पावर के टर्म में लिखो और इस पावर्स को मल्टीप्लाई करो, तो इसका टेक्निक हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएशन से करो तो भी हो जाएगा।
तो हम लोग यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू वन माइनस ए बाई वन प्लस ए। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, एरर इन ए जो है डेल्टा ए बाई ए के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो डेल्टा आर इज इक्वल टू वन माइनस डेल्टा ए, डिफ्रेंशिएशन करना है वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो, माइनस डेल्टा ए माइनस हम लोग लिखे नहीं एरर में, इंटू वन प्लस ए, यू बाई वी रूल लगाना है, माइनस वन माइनस ए इंटू डेल्टा ए डिवाइड बाई वन प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको आर से डिवाइड कर देते, आर से डिवाइड कर देते तो डेल्टा आर बाई आर जो हो जाएगा आपका, यहाँ से डेल्टा ए कॉमन कर लो आप तो ये वन प्लस ए, और ये माइनस अंदर आएगा तो वन प्लस ए हो जाएगा, ये भी वन प्लस ए के फॉर्मेट में, माइनस डेल्टा ए कॉमन कर लेते तो ये वन प्लस ए माइनस वन माइनस ए हो जाएगा डिवाइड बाई वन प्लस डेल्टा ए होल स्क्वायर, ऐसा फॉर्मेट में आ रहा है आपको। तो ये आपको डेल्टा आर बाय आर जो आया, ये जो क्या आ रहा है आप देखो, वन प्लस वन टू हो जाएगा, ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर टू टाइम्स डेल्टा ए बाय वन प्लस ए होल स्क्वायर के फॉर्मेट में दिखेगा आपको। माइनस डेल्टा ए कॉमन किया, माइनस वन प्लस ए प्लस वन माइनस ए, तो वन प्लस वन टू हो जाएगा, ए प्लस माइनस ए जीरो हो जाएगा, तो टू टाइम्स डेल्टा ए बाय वन प्लस ए होल स्क्वायर, टू प्लस टू डेल्टा ए बाय वन प्लस ए होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आपको मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर टू से, ऑप्शन नंबर टू से मैच हो रहा है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एक्सपेरिमेंट द इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इज 3000। इट इज़ फाउंड दैट 1000 प्लस आर माइनस 40 न्यूक्लियर डिकेड इन द फर्स्ट सेकेंड। ओके, सो पहले तो डिके कॉन्स्टेंट्स के लिए जो रेडियो एक्टिविटी में एलिमेंट्स होते हैं, एन इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट आफ्टर डिके एंड एन नॉट इज़ द इनिशियल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इनका एक रिलेशन है जो आप पढ़ोगे रेडियो एक्टिविटी जब पढ़ोगे ट्वेल्थ में। तो अभी तो रिलेशन मैं बता देता हूँ, एन इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्बडा टी, ऐसा डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पर एन जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट इज 1000 आफ्टर डिके। इनिशियली कितने थे, एन नॉट दिया हो आपको 3000 थे इनिशियली, अब लेफ्ट जो है वो 1000 है लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता, 1040 भी हो सकता है, 960 भी हो सकता है, प्लस आर माइनस 40 का एरर है। ओके, सो ये आपको दिया हुआ है। तो आपको पूछा गया है अप टू द फर्स्ट पावर्स ऑफ एक्स द एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा लैम्बडा, इसका जो लैम्बडा है इसको डीके कॉन्स्टेंट बोलते हैं, इसके इसमें क्या एरर होगा ये पूछा गया है। ओके, सो टाइम में कोई एरर नहीं है, यहाँ पर इसको लॉग ले लेते बोथ साइड्स, एल एन एन इज इक्वल टू एल एन एन नॉट ई पावर माइनस लैम्बडा टी, एन नॉट तो एक कॉन्स्टेंट है इनिशियल नंबर, तो इसको मैं एल एन ऑफ एन नॉट प्लस एल एन ऑफ ई पावर माइनस लैम्बडा टी लिख सकता हूँ। ओके, तो इसको लिख सकते हो एल एन एन नॉट माइनस लैम्बडा टी इंटू एल एन ई टू बेस ई, एल एन ई टू बेस ई क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो ये आपका टर्म वन हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा एल एन ऑफ एल एन एन नॉट माइनस लैम्बडा टी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एरर इन दिस टर्म डेल्टा एन बाय एन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स होता है, तो ये वन बाय एन, ओके, और डेल्टा एन ऐसा हो जाएगा, एल एन एन नॉट इट्स अ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल्टा लैम्बडा हो जाएगा। और टाइम दिया है वन सेकेंड, एक सेकेंड में जो डिके हो रहा है वो दिया हुआ है, तो टाइम का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट वन सेकेंड के बाद देख रहे हैं। तो यहाँ पर डेल्टा एन जो है 40 है, तो डेल्टा लैम्बडा इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 1000 और इन द फर्स्ट सेकेंड इज फाउंड दैट 1000 न्यूक्लियर डिकेड इन द फर्स्ट सेकेंड, 0. ये जीरो कट गया, 4/100 दैट इज 0.04,
सो आपको ये डाटा दिया हुआ है कि 3000 थे, इट इज़ फाउंड 1000 न्यूक्लियर डिकेड इन द फर्स्ट सेकेंड. अच्छा ये 1000 डिकेड है तो लेफ्ट कितने हो गए 2000. तो यहाँ पर n की वैल्यू 2000 है, तो यहाँ पर नीचे 2000 भी आएगा तो बाई 2 भी आएगा, तो 0.02 आंसर हो जाएगा, 0.02 आंसर हो जाएगा आपका. तो ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर 3 से मैच हो रहा है. इस लाइन पे ध्यान देना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिकेड बोला गया नॉट लेफ्ट. एन की वैल्यू जो फॉर्मूला में थी वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट आफ्टर डिके, तो डिके जो हो गए वो 1000 है, वो 2000 है. ओके सॉरी 2000 लेफ्ट है, 1000 डिके हो गए. सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 41. 41 जो है मैच द फॉलोइंग टाइप है. तो इसमें दो स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो उनके सिस्टम्स में अलग अलग सिस्टम में क्या वैल्यूज आएगी बताना है. तो उन्होंने मेजरमेंट्स सो दैट दे कैन मेजर कोड. इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1 kg 1 meter 1 second दे टुक द मास एज ए kgs. तो ए kg इक्वल टू 1 kg के बराबर, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 1/a के बराबर. मतलब ए का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा n टाइम्स ए के जी इज इक्वल टू 1 times kilogram. तो n की वैल्यू यहाँ पर मास के लिए, तो मास को आप क्या लिख सकते हो 1/a. मास लिखना हो तो a^-1 लिख दो, a^-1 लिख दो, a लिखो या देन लेंथ को b लिया है तो b इज इक्वल टू 1/ लेंथ जो हो जाएगा वो 1/b हो जाएगा और b^-1 हो जाएगा. एंड सेकेंड्स को गामा लिया है तो गामा इज इक्वल टाइम इज इक्वल टू 1/γ दैट इज़ γ^-1. ओके ऐसे इन्होंने नया सिस्टम बनाया है. तो इस सिस्टम में आपको फोर्स वर्क कुछ और चीज़ें पूछी गई, वो देख लेते क्या क्या पूछा गया. ओके पहला पूछा गया न्यूटन इन न्यू सिस्टम. तो न्यूटन का फॉर्मूला होता है MLT-2. न्यूटन का फॉर्मूला होता है MLT-2 आपने पता है. तो m की जगह लिखना है a^-1, l की जगह लिखना है b^-1, t की जगह लिखना है γ^-1^-2. तो ये γ^+2 हो जाएगा. तो a^-1 b^-1 गामा को यहाँ g से रिप्रेजेंट किया है, g^2. तो ये ऑप्शन b से मैच हो रहा है. ओके ऑप्शन b से मैच हो रहा है. देन 1 जूल, जूल क्या होता है इसको और एक लेंथ से मल्टीप्लाई करना है तो b^1 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 1 जूल जो हो जाएगा वो ml^2 t^-2 है तो a^-1 b^-2 हो जाएगा और γ^+2 हो जाएगा. तो ऐसा ऑप्शन देखो कहाँ दिख रहा है, a^-1 b^-2 γ^+2 ऑप्शन ए से मैच हो रहा है, BA. ओके सो BA ऑप्शन 1 से ही मैच हो रहा है पहले दो ऑप्शंस. तो मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑप्शन सही होगा. विट हम लोग सॉल्व कर लेंगे. पास्कल क्या होता है, प्रेशर का यूनिट होता है. तो फोर्स अपॉन एरिया, तो इसको लेंथ स्क्वायर से डिवाइड करना है तो बाई b^-2 हो जाएगा. मतलब प्रेशर पास्कल, क्या पास्कल का कैसे लिखेंगे हम लोग अगली स्लाइड में. या पास्कल को लिख सकते हो आप फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स का हमने निकाल रखा है एरिया का b^-2 हो जाएगा तो ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा. तो a^-1 b^+1 γ^+2 ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है सी से. ओके तो इसका सी हो जाएगा. ए सी एम इन वॉट. तो ए सी एम इन वॉट, ए सी एम ई मतलब इन्होंने पावर को ए सी एम ई बोला है. तो अभी पावर को इनके डेफिनेशन में, हमारे डेफिनेशन में नहीं, तो वॉट को पावर के डेफिनेशन में लिखना है. वॉट होता है ml^2 t^-3 बिकॉज जूल पर सेकेंड होता है. ml^2 t^-3 को आपको इसके टर्म में, मतलब ये वॉट देखो ए सी एम ई उनका वॉट है. इनका पावर लिखना हो तो आप लिखते हैं m को a के पावर क्या लिखते हैं -1 b, ml^2 b^-2 और t^-3 मतलब γ^+3 हो जाता. ये तो आपका ए सी एम ई हुआ, 1 watt इक्वल दिस मच ए सी एम ई. तो 1 ACME इज इक्वल टू कितने वॉट्स, इसका इनवर्स, इसके पावर्स को इन्वर्ट कर दो तो पावर a^1
बी पावर प्लस टू गामा पावर प्लस माइनस थ्री। यहाँ पर गामा की जगह जी दिया हुआ है, टाइपिंग एरर है, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं ऑप्शन डी से मैच हो रहा है, ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। तो आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 41 में आंसर आपका वन ऑप्शन से मैच होगा, वन ऑप्शन से मैच होगा। ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 42। ये भी मैच द कॉलम है, तो इसके आंसर की ऑप्शंस यहाँ दिए, मैं क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, ये इजी क्वेश्चन। ग्रेविटेशन इंटेंसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप फोर्स अपॉन मास भी लिख सकते थे, राइट, मतलब न्यूटन पर केजी लिख सकते हो आप। तो ये मैच हो रहा है ऑप्शन बी से, ये ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स जो है वो न्यूटन है, चार्ज जो है एम्पियर सेकेंड है, एम्पियर सेकेंड है, तो इसको क्या लिखा गया, न्यूटन पर कुलम, इसको फोर्स का न्यूटन पर कुलम, तो ये ऑप्शन मैच हो रहा है आपका न्यूटन पर कुलम सी से, तो सेकेंड ऑप्शन का सी आना चाहिए, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, वन का ए आपका आ रहा है बी, टू का आ रहा है सी, थ्री फोर को देख लेते हैं। ओके, थ्री, आर इक्वल टू वी बाय आई, वी वोल्टेज, आई इज करंट ना, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर ऑप्शन में दिया हुआ है डायरेक्टली, आपको कुछ कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं, ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। और क्वेश्चन नंबर फोर, आर इक्वल टू पी वी बाय एन टी, पी वी इज एनर्जी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर इंटू मीटर क्यूब, तो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा, न्यूटन मीटर जूल होता है, तो जूल हो गया ऊपर, और नीचे एन इज नंबर ऑफ मोल्स, और टी इज केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सो जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन इसका ऑप्शन में दिखना चाहिए आपको, जूल पर मोल केल्विन आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए से। याद रखना, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज एनर्जी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज काइंड ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर क्यूब, न्यूटन इनटू मीटर लाइक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन इनटू मीटर जूल होता है। ओके, तो जूल पर मोल केल्विन इसका यूनिट हो जाएगा, जिसको यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट बोलते हैं, आर को यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट बोलते हैं। सो ये अपना आंसर बी सी डी ए आना चाहिए, तो ये कैंसर आंसर से मैच कर रहा है, बी सी डी ए ऑप्शन नंबर थ्री से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर थ्री से मैच हो रहा है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था लेवल टू का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। ओके, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।